देखो आज की क्लास में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके वैल्यूज क्या होते हैं। ट्रिग्नो में पहले ट्राई है, ट्राई मतलब थ्री है, गोनोमेट्रिक बेसिकली हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर डील कर रहे हैं, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल तो होगा ही, और उसके ठीक सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं, और जो बच गया साइड उसे बोलेंगे लेग्स, क्या बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये सिखाता है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग। दैट मीन्स इसको अगर एब्रिवेशन देखो तो ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, कोई डाउट नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब रेशियो, कंपैरिजन, कंपैरिजन किसका कंपैरिजन, क्योंकि अगर मैं इस 90 के अलावा इस एंगल को चूज कर लूं तो मेरे पास चूज करने के दो ऑप्शन है। अगर मैंने ये एंगल चूज किया है तो इसके ठीक सामने वाले को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, तो जो बच गया उसे बेस कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बट अगर हम ये एंगल चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइव, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग सामने वाला ये है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये तो हाइपोटेनियस होगा इन ऑल द केसेस, और इसको हम बेस कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ ये येलो वाले में, ठीक है। तो रेशियोज में एक होता है साइन, साइन थीटा मतलब इस पूरे ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल चूज किया है, और जब इस एंगल को इस वाले फंक्शन में डाला तो ये बेसिकली एक रेशियो देता है जिस रेशियो का नाम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर होता है सेकेंड कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है टेन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं साइन थीटा, दैट मीन्स मैं वन अपॉन पी अपॉन एच कर रहा हूं, तो इस वन को मैं वन अपॉन वन कर सकता हूं, तो फिर वन अपॉन वन इंटू एच अपॉन पी होके ये एच अपॉन पी हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। और इस रेशियो को हम कह देते हैं कॉसेक थीटा। इन द सेम वे वन अपॉन कॉस थीटा को हम लोग कह देते हैं सेक थीटा, दैट मीन्स यहाँ पे एच अपॉन बी होगा। बिल्कुल वैसे ही वन अपॉन टेन थीटा को हम लोग कह देते हैं कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज बी अपॉन पी। तो इस रेशियो में किसी को कोई डाउट नहीं? हमारे पास टोटल रेशियोज कितने निकल के आए, एक साइन, एक कॉस, एक टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, किसी स्पेसिफिक एंगल पे वो रेशियो क्या वैल्यू देगा उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कहते हैं। 10th क्लास में वो वैल्यूज फिक्स है, क्या क्या वैल्यूज पढ़नी है, तो उस टेबल को तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन कॉस, साइन कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस सेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा। और इसके लिए हमने ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, सही है। इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है। फिर अगर मैं एंगल चूज कर रहा हूं 0 डिग्री, क्या 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है। क्या समझने वाली? मुझे पेन दो, पेन दो जल्दी। क्या तुम इसे राइट एंगल ट्रायंगल मानोगे? मानोगे? हाँ। तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ। अगर मैं इस एंगल को ऐसे लेके चलता जाऊं, ऐसे गिराता जाऊं, ऐसे पीछे सरकाता जाऊं, ऐसे, तो क्या ये एंगल कम हो रहा है? तब अगर ये ट्रायंगल कुछ ऐसे था पहले, ऐसे था, ऐसे, मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, अगर विजुअल नहीं है तो एक ट्रायंगल अगर ऐसे है और इस एंगल को कम करना है तो लगातार मैं हाइट कम करता जाऊँ, क्या करता जाऊँ, तो ये एंगल कम होता जा रहा है। अब इतना ही एंगल है, अब इतना ही एंगल है, अब इतना ही एंगल है। तो इससे क्या घट रही है? बेस तो एज इट इज है, बट हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जिस टाइम पे ये थीटा जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो जो पी अपॉन एच का रेशियो होगा वो तो जीरो अपॉन एच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। से यस। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का ही तो रेशियो है ये, साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है रेसिप्रोकल? जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? वन अपॉन जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। सही है। अब कॉस की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कॉस की। अगर कॉस की बात कहो तो ये हाइपोटेनियस बड़ा था, बट हाइपोटेनियस भी लगातार छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन बेस जो है वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो हाइपोटेनियस बेस के बराबर हो जाएगा। सही है। तो ऐसा हो गया तब हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो क्या मिलेगा? वन। इफ बोथ विल बी इक्वल देन रेशियो विल बी वन। तो यहां से हमें कॉस जीरो की वैल्यू मिल जाएगी वन, और इसका रेसिप्रोकल तो वन ही होगा। वन का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन। अब आते हैं 90 डिग्री पे। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल को बढ़ाना चाहूँ, और अब मैं इस मेथड से बढ़ा रहा हूँ, किस मेथड से बढ़ा रहा हूँ? देखो, इससे ये बड़ा हुआ, इससे ये बड़ा हुआ, इससे ये बड़ा होगा, किसी टाइम पे 90 भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अरे जब एकदम चिपक जाएगा इससे तो 90 हो ही जाएगा। उस समय क्या होगा? हाइपोटेनियस लगातार घट रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर जैसा है वैसा ही। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो गए थे पिछले वाले रेशियो में, इस वाले रेशियो में जब थीटा जीरो कर रहे थे। तो अगर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस का कोई रेशियो है तो बेस तो इस केस में जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बी जीरो। तो कॉस 90 पे, कॉस 90 पे तो ये जीरो हो जाएगा, बट साइन 90 पे तो वन हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 तो पी अपॉन एच है, वो दोनों इक्वल हो गए, बोलो। हाँ। तो इसकी वैल्यू, साइन वाले की वैल्यू वन हो जाएगी, इसलिए कॉसेक वाले की वैल्यू भी वन हो जाएगी, बट कॉस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसीलिए सेक वाले की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सही है। अब एक कमाल की बात देखो, साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, कट गया ये टेन थीटा आया। मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? 10। तो 1 को 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा कॉट, दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना? और इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0।
नॉट डिफाइंड व्हाट, 1 अपॉन 0, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1 मीन्स 0। तो आपने सक्सेसफुली ये रेशियोज ढूंढ लिए या ढूंढ लिए। अब सबसे मजेदार पार्ट पे आते हैं इसके, कौन सा पार्ट, कॉस 30 एंड 60। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, क्या लेता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं। तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, से यस। और ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है ना, और ये दोनों ही 90 है, समझ पा रहे हो। तो RHS से, किससे, RHS से राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल हो, उसके अलावा कोई एक साइड भी इक्वल हो गया तो दोनों कॉन्फिडेंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों का सम 60 है तो ये खुद 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर ये ए है और ये दोनों भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे तो ये अगर टोटल ए है तो ये हो जाएगा ए बाई टू, बोलो, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ए बाई टू, और यहां से यहां तक भी ए बाई टू। तो अगर सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये ए है, ये ए बाई टू है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एच मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एच, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, से यस। तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच ए स्क्वायर बाई फोर। अब इसे मैं इधर लेके आ जाता हूँ, किधर, इधर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एलसीएम ले लो, फोर, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, से यस। देन थोड़ा सा इधर प्रोसीड करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3a स्क्वायर बाई 4, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको यहां से हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट से a गया a और स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया 2, ये आया, दिस इज द हाइट, से यस। मतलब हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिला जिसमें ये 60 डिग्री है, ये ए बाई टू है, ये ए है और ये रूट थ्री बाई रूट थ्री ए बाई टू है और ये 30 डिग्री है, बोलो। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल ये होती है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है ना, तो साइन 30 डिग्री। अब क्या मैं ये मिटा दूं, और नहीं मिटाना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज पे देख लो, फिर से बना देता हूँ, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये ए है, ये ए बाई टू है और ये अंडर रूट 3 ए बाई टू है। तो अगर मैं साइन 30 लूँ, क्या लूँ, साइन 30, तो जो एंगल लूँगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, देन क्या हो जाएगा, ए बाई टू अपॉन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू इंटू वन अपॉन ए, क्या आंसर आएगा, 1/2, बोलो। और साइन 60 क्या आ जाएगा, अब साइन 60 लियो तो उसके हिसाब से रेशियो बदल जाएंगे, मतलब दिस अपॉन दिस, अंडर रूट 3a by 2 upon a, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 by 2 आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा एकदम ऐसे ही, इसको अपॉन 1 कर दिया है ना, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा ना, कर लोगे कि बताऊं, कर लोगे। तो ये दो आ गए,
तो इसी हिसाब से कॉट कॉस आ जाएगा, कॉस 30 क्या हो जाएगा बोलो, कॉस 30, कॉस 30 मतलब दिस अपॉन दिस मतलब अंडर रूट 3/2। इसी तरीके से कॉस 60 क्या आ जाएगा, 1/2। से यस, आ गया। अब देखो, अब ये क्या है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। और ये क्या था, अंडर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 2/√3। अब इसका करो, ये क्या है 3/2, ये है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसको दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आके 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। तुमने सारे फिल कर दिए, सिर्फ कॉस 45 बचा है, क्या बचा हुआ है। अब कॉस 45 को यही समझा देता हूँ, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, लेकिन इस तरीके से कि इन दोनों का साइड इक्वल है, क्या है। तो अब अगर ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको मैं एच मानूं, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 आ जाएगा, बोलो। तो ये तो 45 होगा ना, अगर ये दोनों इक्वल है तो बोलो, तो कॉस साइन 45 क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो दिस क्या है ए, और दिस क्या है अंडर रूट 2 ए, ऐसे कट गया, और साइन भी वही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू। इस तरीके से आपने मैथमेटिकल लॉजिक लगा के विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने इसको कंप्लीट कर दिया। समझ आ गया, किसी को कोई डाउट, चलो क्लोज।